सो गाइस देखो, अभी रिसेंटली फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों गेम में रिसेंटली एक छोटा सा अपडेट आया है। 50-60 MB का अपडेट आया एंड फ्री फायर मैक्स में भी शायद 100 MB का कोई अपडेट आया है। एंड इस अपडेट के बाद ना काफी सारे प्लेयर्स का फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों ही गेम ओपन नहीं हो रहा है। अभी देखो मैं आपके सामने यहाँ पे फ्री फायर गेम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही फ्री फायर गेम ओपन किया, यहाँ पे जैसे ही मैं साइन इन विद फेसबुक करता हूँ तो यहाँ पे लोडिंग लोडिंग होता रहेगा। एंड ये मतलब ऐसे ही 30-40 सेकंड तक होगा, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन एरर लिख देगा। ये देखो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन एरर लिख दिया, बट यहाँ पे आपका फ्री फायर ओपन नहीं होगा, मतलब लॉग इन ही नहीं होगा, आपका गेम ऑलवेज ऐसे लॉग आउट ही रहेगा। एंड यही सेम प्रॉब्लम फ्री फायर मैक्स में भी हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे फ्री फायर मैक्स भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। देखो फ्री फायर मैक्स यहाँ पे ओपन हो गया एंड यहाँ पे ओनली लोडिंग चल रहा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो साइन इन विद फेसबुक पे भी कुछ भी क्लिक ही नहीं कर सकते हो, कहीं भी क्लिक करोगे तो बस ओनली आपके सामने ऐसे लोडिंग होता रहेगा। तो गाइस देखो ये प्रॉब्लम तो अभी काफी सारे बंदों के फोन में हो रहा है एंड काफी सारे बंदों के फोन में अभी नहीं हो रहा है, बट मैं बोलता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इन फ्यूचर क्या पता आपके भी फोन में अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को सॉल्यूशन पता हो। तो देखो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। अभी देखो मैं यहाँ पे मेरे फोन के सेटिंग में आ गया, ओके। एंड यहाँ पे अगर आपके फोन में ऊपर सर्च का ऑप्शन है, देखो जैसे मेरे फोन में यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ऊपर जाकर एंड सर्च करना है प्राइवेट DNS। जैसे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ ना, ये देखो इस टाइप से यहाँ पे एक प्राइवेट DNS का ऑप्शन आ जाएगा। एंड अगर आपके फोन में सर्च का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप से आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड कनेक्शन कुछ भी इस टाइप का लिखा होगा आपके फोन में, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड उसके अंदर जाने के बाद आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे प्राइवेट DNS, यहाँ पे देखो मेरे फोन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको कैसे भी बस आपके फोन में ये प्राइवेट DNS पे जाना है, ये ऑफ रहेगा तो इसको आपको क्या कर लेना है, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर हॉस्ट नेम पे चले जाना है। एंड यहाँ पे ये देखो जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये सेम चीज आपको लिख देना है DNS.google.com। गाइस ये सेम चीज आपको यहाँ पे लिखकर एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं सेव कर देना है। इस टाइप से आपका यहाँ पे प्राइवेट DNS ऑफ रहेगा तो उसको आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर हॉस्ट नेम पे जाकर ये लिखकर सेव करके एंड बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने गेम को रीस्टार्ट करना है एंड इजीली आपका गेम ओपन होने लगेगा। यहाँ पे देखो मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइन इन भी हो गया एंड ये देखो मेरा इजीली गेम ओपन भी हो गया। एंड फ्री फायर मैक्स को भी मैं एक बार ओपन करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने ही। ये देखो फ्री फायर मैक्स भी यहाँ पे इजीली ओपन हो गया, टैप टू बिगिन पे मैंने क्लिक किया एंड ये देखो ओपन हो गया गाइस इजीली। तो गाइस जिस भी बंदे का ये प्रॉब्लम था आई होप सॉल्व हो गया होगा। आप लोग गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो भी आपका फ्रेंड है जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है उसका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके। एंड आप लोग भी गाइस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्या पता आपका अभी नहीं हो रहा हो बट इन फ्यूचर क्या पता आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए गाइस सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो में मजा आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलो गाइस बाय बाय।